पिछले 9 महीनों से मैं एक ही रूटीन फॉलो करते आ रहा हूँ। सुबह उठो, काम करो, जिम जाओ, सो जाओ। और ये रूटीन मैं एक हद तक फॉलो कर सकता हूँ, 3 महीने 4 महीने, लेकिन एक टाइम के बाद ना मैं इस रूटीन से बहुत बोर हो चुका था, जिसकी वजह से मैं अंदर से काफी इनकम्प्लीट फील कर रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे लाइफ से कुछ चीज मिसिंग है, मैं बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मैं कर नहीं रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए। और ऐसी एक चीज जो मैं काफी लंबे समय से करना चाहता था वो था ट्रैवल। जहाँ तक मुझे याद है मैं बहुत सारी जगहों में घूमना चाहता था। बस इसी थॉट को चेज करते हुए मैं पहुंच गया पुणे। कल रात को 11:30 बजे तक पुणे पहुंचा था, लेकिन बहुत थकान की वजह से कुछ शूट नहीं कर पाया था। अगली सुबह शूज़ खरीद के ब्रेकफास्ट करके हम लोग रेडी हो गए थे हमारे जर्नी के लिए। और जैसे हम लोगों ने हमारी जर्नी स्टार्ट की, कुछ हद तक नर्वसनेस भी था मेरे दिमाग में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी इस ट्रैक पर जो मेरे कंट्रोल के बाहर थी। लेकिन उस नर्वसनेस के साथ साथ एक एक्साइटमेंट भी था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बाहर नहीं निकला हूँ। और इसी थॉट्स के साथ मेरे भाइयों के साथ मज़े करते हुए, स्नैक्स खाते हुए हम लोग निकल गए। नज़ारे एंजॉय करते करते पहुंच गए वन ऑफ दी मोस्ट फेमस घाट्स ऑफ महाराष्ट्र, जो कि एक मॉनसून डेस्टिनेशन भी है महाराष्ट्र में, मालशेज घाट। मैं खुद पहली बार इस लोकेशन पर गया था और मेरे पास वर्ड्स नहीं है उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अगर आप महाराष्ट्र में मानसून के टाइम पे हो तो आपको मालशेज घाट ज़रूर विजिट करना चाहिए। और हम लोग वहाँ पर ज़्यादा देर रुके नहीं, बस व्यू एंजॉय करके हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। हालाँकि वहाँ पर व्यू देखने लायक ज़्यादा कुछ था नहीं फॉग के वजह से। वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते ही हमें हमारे डेस्टिनेशन की एक झलक दिख गई थी। देख के एक तरीके का एक्साइटमेंट भी बढ़ रहा था, क्योंकि जो चीज़ करने के लिए मैं मेरे घर से निकला था उस ट्रैक के, उस एक्टिविटी के मैं बहुत नज़दीक आ गया था। आई डोंट नो आगे जाके क्या होने वाला है, लेकिन बस एक होप, एक एक्साइटमेंट था कि आगे जाके ऑब्वियसली मज़े आने वाले हैं। जैसे ही हम लोग वहाँ पे पहुँचे, हम लोगों ने सारी चीज़ें पैक कर ली और हम लोगों ने हमारी जर्नी स्टार्ट कर दी। और सबसे पहले वाटर क्रॉसिंग में ही सबसे बड़ी मुश्किलें हमें मिली, जो काफ़ी हद तक रिस्की था, जहाँ पर मैं एक दो बार हेजिटेट भी कर रहा था। और हेजिटेट करना जायज़ भी था, क्योंकि बारिश इतने ज़ोरों से हो रही थी, उसके वजह से ये जो वाटर क्रॉसिंग्स आगे जाके भी करने थे वो नहीं हो पा रहे थे। हम लोगों ने बहुत हद तक पुश करने का ट्राई किया, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि यार उस वक्त पे ना पानी का फोर्स इतना था, वाटर क्रॉसिंग में खड़े रहना भी मुश्किल हो रहा था। भले हम लोग ग्रुप में थे, रिटर्न आते वक्त मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड था। मैंने ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट तो की थी, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं ट्रैक पूरा ही नहीं कर पाऊंगा। शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं अलग से कर सकता था, मैं और प्रिपेयर हो सकता था उन चीज़ों के लिए। मैंने शायद जितना रिसर्च मुझे लगा मैंने किया था वो शायद काफ़ी नहीं था, मुझे शायद और रिसर्च करने की ज़रूरत थी। और उसी के वजह से शायद मेरा ये जो अटेम्प्ट था ट्रैक की तरफ वो पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट तो है, लेकिन एक होप भी है, एक उम्मीद भी है कि यार इंसान गलतियों से ही सीखता है, उसी गलती से सीख के शायद हम लोग आगे इस ट्रैक को ज़रूर कंप्लीट कर पाए। अगली सुबह उठ के हम लोग वापस प्रिपेयर किए, खुद को ब्रेकफास्ट कर लिया और निकल पड़े थे दूसरे डेस्टिनेशन की ओर, जहाँ पर मुझे पर्सनली काफ़ी लंबे समय से जाना था। मैं खुद से वो जगह देखना चाहता था। कल का दिन जिस तरीके से एक डिसअपॉइंटमेंट था, मैं चाहता था कि आज का दिन उतना ही अच्छा हो। कल की तरह भी हम लोगों ने वापस तैयारी करके गाड़ी में बैठ चुके थे और निकल चुके थे अगले डेस्टिनेशन की ओर। टाइम बाद हम लोगों ने एक जगह पे स्टॉप लिया था, वहाँ पर अच्छा खासा महाराष्ट्रियन स्नैक खाने के बाद, वहाँ से डेस्टिनेशन सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था मेरे ख्याल से। और वहाँ पर पहुँचने के बाद पहले तो मुझे वो जगह दिख भी नहीं रही थी जो मैंने काफ़ी लंबे समय से देख के रखी थी, जिसके लिए मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगा कि यार शायद आज भी डिसअपॉइंट होने वाला हूँ। लेकिन थोड़ा आगे चलते ही मुझे वो जगह दिख गई जो मैं इतने लंबे समय से इंटरनेट पर देखते आ रहा हूँ। काफ़ी हद तक मैं खुश था, क्योंकि ये जगह काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वहाँ पर पहुँच के
हम लोगों ने सिर्फ फोटोज़ लिए, कुछ वीडियोज़ निकाले और मैं काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पर बैठा हुआ भी था, इन्जॉय कर रहा था, सीनरी के मज़े ले रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ बहुत एक्साइटिंग और एडवेंचरस भी फील हो रहा था। कल डिसअपॉइंट होके, डीमोटिवेट होके मैंने आज का प्लान कैंसिल नहीं किया, मुझे उस बात की बहुत खुशी थी। लाइफ में एक चीज़ होगी जो आपके हिसाब से नहीं जा पाएंगी, या शायद 100 चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके हिसाब से नहीं जा पाएंगी, लेकिन वो एक चीज़ होगी जो आपके हिसाब से अगर चली जाती है ना, फिर जो 100 चीज़ जो नहीं हुई ना, उन सबका डिसअपॉइंटमेंट इस एक चीज़ के हैप्पीनेस से छोटा हो जाता है। वहाँ पर मैं मेरे भाइयों के साथ था और बहुत हद तक मैं खुश था कि यार मैंने एक टास्क उठाया, चलो उसमें से एक कम्प्लीट हुआ, लेकिन जो एंड थी इस कहानी की वो काफ़ी हद तक खूबसूरत थी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी।